हेलो दोस्तों, मैं निहारिका शर्मा एक बार फिर आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ आज के नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा ये टॉपिक है भारत का अपना पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम है भार ओएस। और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है जो आगे तक हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए बात करते हैं इसके बारे में, फटाफट शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम निहारिका शर्मा है और मैं अकेडमी पे यूपीएससी कैटेगरी की एजुकेटर हूँ। अगर आप अभी तक अकेडमी पे नहीं हैं तो फटाफट से ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पे यूपीएससी सेक्शन में आएंगे तो मेरा नाम सर्च करेंगे, आपको मेरे क्लासेस वहाँ पर शो होंगे। वहाँ पर फ्री और आपके पेड दोनों तरह के क्लासेस हैं। इस कूपन कोड CHP10 का इस्तेमाल करके फ्री क्लासेस भी वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करके अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे तो आपको तुरंत ही वहाँ पे 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद मुलाकात होगी क्लासेस में भी। तो फटाफट शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को भार ओएस। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की गई, ये हमारे लिए आज की सबसे बड़ी खबर है। ये स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी भारत में ही कम्प्लीटली इसे बनाया गया है। और ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फर्स्ट टाइम इंडिया में बनाया गया है। इसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले अभी तक हमारे पास अपना खुद का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। हम अन्य जो देशों के बनाए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ कर रहे थे अपने मोबाइल और लैपटॉप्स और कंप्यूटर डिवाइसेस में। भार ओएस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? तो भार ओएस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत में स्वदेशी रूप से विकसित एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी पर्टिकुलरली दिस इज डेडिकेटेड टू मोबाइल्स के लिए है। ये एंड्रॉयड या iOS के समान ही ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप लोग फोन्स में एंड्रॉयड यूज़ करते हैं या फिर iOS यूज़ करते हैं iPhones में, तो वैसे ये भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका विकास IIT मद्रास की इंक्यूबेटेड फर्म J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जन कॉप्स के नाम से जानी जाती है, उसके द्वारा किया गया, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अभी तक हम लोग एप्पल के iOS और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज़्यादा जानते थे, क्योंकि हम वही इस्तेमाल करते हैं, वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हैं इस वक्त मार्केट में और इसका उपयोग भी करते थे। लेकिन इसे भी एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अब जब हम एक नया खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं, तो ये भी इनकी कैटेगरी में यहाँ पर शामिल हो जाएगा। भार ओएस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट के लिए फंडिंग एक राष्ट्रीय मिशन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के तहत किया गया, यानी इसको फंड किया है इसने NMICPS ने, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अधीन है। यानी भारत सरकार के अधीन जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उसके तहत NMICPS के द्वारा इसको फंड किया गया है। इसका विकास नो डिफॉल्ट एप्स फीचर के साथ किया गया, जो इसकी सबसे अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप जितने भी एंड्रॉयड या iOS मोबाइल्स यूज़ करते हैं उसके साथ कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐप ज़रूर आपके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, जो कि उसका मेमोरी स्पेस घेरते हैं और आपको जबरन उन ऐप्स को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन ये जो हमने भार ओएस बनाया है अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स के साथ है, यानी इसके साथ कोई भी डिफ़ॉल्ट ऐप डाउनलोडेड नहीं आएगी फ़ोन के साथ। इसका अर्थ है कि ऐप्स का उपयोग करने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित करने वाले स्टार्टअप जन कॉप्स ने कहा है कि भार ओएस नेटिव ओवर द एयर अपडेट प्रदान करता है। यानी जैसे आपके आज के टाइम में जो अदर जो एंड्रॉयड हैं या iOS हैं, जैसे आपको ऑनलाइन तरीके से ही अपडेट्स भेज देते हैं और आप उन अपडेट्स को डाउनलोड कर लेते हैं और आपका जो भी मतलब एंड्रॉयड है या iOS है वो अपडेटेड वर्जन चलने लगता है, तो वैसे ही इस पे भी जो है नेटिव ओवर द एयर अपडेट्स आपको मिलेंगी, जो कि सिस्टम को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। यानी जो जैसे अभी हमारे लोग वर्क कर रहे हैं iOS एंड एंड्रॉयड, तो इसका भी वर्किंग बिल्कुल ईजी है और सिंपल सारी चीज़ें वैसे ही हैं लगभग। भार ओएस ऑपरेटिंग स्पेसिफिक प्राइवेट ऐप इसे विश्वसनीय ऐप्स तक पहुंच प्रदान करता है, जो इस सिस्टम को यूज़र फ्रेंडली बनाता है। यानी इसके लिए कम्युनिकेटिंग ऐप बनाया गया है, जिससे आप ऐसी ऐप्स इस्तेमाल करें जो कि सेफ हैं, विश्वसनीय हैं। भार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से भारत में 100 करोड़ स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी आबादी है और जिसके पास बहुत बड़े नंबर में जो स्मार्टफोन्स हैं आज, जो कि भारत को विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भरता को कम कर देगा, जो कि शायद हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा।
ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम इतनी देर से ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक बार हम ये भी जान लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस यानी कि कनेक्शन की तरह से वर्क करता है, अर्थात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मैनेज करता है। क्योंकि जो कंप्यूटर की अपनी जो भाषा है वो मशीन लैंग्वेज होती है, लेकिन मैं और आप जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं वो सिंपली अपनी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस के थ्रू यूज़ करते हैं, तो उसका काम OS ही करता है। साधारण शब्दों में ये वो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। जैसे मेरे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर समझे और कंप्यूटर के जो रिजल्ट्स हैं वो मैं समझ सकूं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य कंप्यूटर के इस्तेमाल को सुविधाजनक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। उपयोगकर्ता को किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट इत्यादि में अन्य प्रोग्राम्स को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, यानी कि ये एक तरीके से आपका इंटरफेस है किसी भी प्रोग्राम को वर्क कराने के लिए इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के उदाहरण जैसे कि विंडोज आप लोग यूज करते हैं, एंड्रॉयड, iOS, macOS, लिनक्स एंड क्रोम्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो हम अब तक यूज करते आए हैं। और इसी क्रम में एक नए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जुड़ गया है जिसका नाम है BarOS, जो कि भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कैसी लगी ये जानकारी मुझे जरूर बताइएगा वीडियो के एंड में, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा अगर पसंद आए तो। मेरा नाम निहारिका शर्मा है, मैं अनअकैडमी पे UPSC कैटेगरी की एजुकेटर हूँ। अगर आप अभी तक अनअकैडमी पे नहीं हैं तो फटाफट से ऐप को डाउनलोड कीजिए, UPSC कैटेगरी में आकर मेरे क्लासेस आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करिए CHP10, वहाँ पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद मुलाकात होगी क्लासेस में भी, तो मैं वेट करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो के लिए वापस मिलेंगे YouTube चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।